हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिजिटल काउंटर्स के बारे में। डिजिटल काउंटर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्किट है आपका डिजिटल वर्ल्ड का। ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन। डिजिटल काउंटर इज एक्चुअली ए रजिस्टर विच गोज थ्रू ए प्री डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स। अब ये सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स क्या है, देखिए आपके ये जो काउंटर है, ये काउंटर को हमने यहाँ पे ब्लॉक के फॉर्म में लिया है। ठीक है, एंड इट कंसिस्ट आउटपुट्स, दीज आउटपुट्स वेरिंग फ्रॉम क्यू नॉट टू क्यू एन माइनस वन। ठीक है, नाउ द इनपुट टू दिस काउंटर इज एक्चुअली क्लॉक इनपुट। अब जो ये काउंटर क्या करता है, ये काउंटर इनपुट पल्सेस को काउंट करता है, इनपुट क्लॉक पल्सेस को काउंट करता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये काउंटर एक प्री डिफाइंड सीक्वेंसेस में के थ्रू चेंज होता रहेगा। जब जैसे जैसे आपके क्लॉक्स आएंगी, आपका ये स्टेट्स चेंज होंगी, ये आउटपुट आपकी चेंज होती रहेगी। ओके, जैसे कि इस डायग्राम में है, यहाँ पे हमने एक ट्रुथ टेबल बनाया है अप काउंटर का। तो देखिए, हमने 3 बिट अप काउंटर हमने लेके चले हैं, तो 3 बिट आउट काउंटर की स्टार्टिंग वैल्यू हमने 000 ली है, फिर 001, फिर 010, फिर 011, फिर 100, 101, 110, 111। और ये जो ट्रांजिशन है एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पर, ये हमेशा एक क्लॉक पल्स आएगी, उस पल्स पे आपके पास ये ट्रांजिशन होगा। दैट पल्स मे बी नेगेटिव क्लॉक एज और इट मे बी ए पॉजिटिव क्लॉक एज। अब इस ट्रांजिशन को हम स्टेट डायग्राम की हेल्प से भी दिखा सकते हैं। दिस इज ए स्टेट, एक्चुअली ये जो आपने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ये एक स्टेट है, ओवल शेप का आपने ये ड्रॉ किया है, दिस इज अ स्टेट। स्टेट इज एक्चुअली द आउटपुट वैल्यू ऑफ ए काउंटर और इट्स ए रजिस्टर, यू कैन से दैट। तो आपके पास अब काउंटर में क्या होगा, जैसे ही आपका सर्किट या काउंटर रीसेट होगा, तो आपकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0000। ओके, तो यहाँ पे आपने 3 बिट का काउंटर लिया है, Q0, Q1, Q2, तो आपके पास यहाँ पे 000 रिसेट में वैल्यू आएगी। फिर जैसे ही नेक्स्ट पल्स आएगी, तो आपके आउटपुट है क्लॉक आउटपुट है जो काउंटर की, कौन से काउंटर की, इस काउंटर की ये जो आउटपुट्स हैं ये चेंज हो जाएंगी आपके पास 001 में। फिर नेक्स्ट क्लॉक एज जब आपके पास आएगी, वो आपके आउटपुट क्या आएगी, 010। फिर नेक्स्ट क्लॉक एज पे आपकी 011 और एंड सो ऑन, और जब लास्ट में आपके पास 111 हो जाएगा, तो आपकी नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी काउंटर की, वो आएगी अगेन 00। इन दिस पे आपके पास ये काउंटर ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक प्री डिफाइंड सीक्वेंस है। आप ये सीक्वेंस आपके अकॉर्डिंगली वैसे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमने सिंपल एक अप काउंटर बनाया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप इसको इसी तरीके से आपने 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन फिर अगेन गो बैक टू 0। तो 3 बिट में यू नो दैट 2 raised to power n आपके पास वैल्यूज होते हैं। 3 बिट में 2 raised to power 3 इज इक्वल्स टू 8। तो 8 मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं यहाँ पे, तो 8 स्टेट्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाउ सिमिलरली आपके पास ऐसे डाउन काउंटर भी हो सकता है। तो डाउन काउंटर में क्या होगा, आपकी इनिशियल वैल्यू जो होगी आपकी 111 होगी। ओके, अगर आपने 3 बिट का ही लिया है तो 111, 2 बिट का होगा तो 11, 4 बिट का होगा तो 4 times 1 लाइक इन दिस वे। ओके, एंड देन आफ्टर दैट जब नेक्स्ट क्लॉक एज आएगी, तो क्लॉक एज आएगी तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 7 से 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, दिस वन एक्चुअली दिस वैल्यू इज शिफ्टेड फ्रॉम दिस से एंड 1, दिस 0। ओके, तो इन दिस वे आपका ये काउंटर वेरी आपका काउंटर काम करेगा। क्लियर, अभी जो रीसेट होने पर आपकी इनिशियल वैल्यू आई, दैट इज इस केस में, जैसे आपके डाउन काउंटर में इस केस में हमने लिया है 7, ठीक है, और अप काउंटर में हमने लिया है 0। तो ये रीसेट आप किस वैल्यू पर करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। आप रीसेट करने पर किस इनिशियल स्टेट पर जाना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द यूजर और द डिजाइनर, यू कैन से दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ काउंटर्स। अब काउंटर्स का मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट है। तो सबसे बेसिक जो आपकी एप्लीकेशन है वो है बीसीडी अप
या फिर डाउन काउंटर की तरह। बीसीडी कहां से कहां तक काउंट करता है? 0 से लेकर 9 तक, 9 से 0, 0 से 9, आपके मर्जी है। आप एज ए अप काउंटर यूज करना चाहते हैं, डाउन काउंटर। दिस काउंटर कैन ऑल्सो बी यूज एज ए फ्रिक्वेंसी डिवाइडर या फिर फ्रिक्वेंसी काउंटर। फ्रिक्वेंसी काउंटर सर्किट वो होते हैं जो फ्रिक्वेंसी को मेजर करते हैं। ओके, तो फ्रिक्वेंसी काउंटर सर्किट से ये एडवांस सर्किट हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, डिजिटल क्लॉक्स में आपने देखा होगा कि काउंटर्स होते हैं, वहाँ पे भी डिजिटल मल्टीमीटर्स में भी काउंटर्स होते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स में भी काउंटर्स का यूज़ होता है। जब आपका कोई सिग्नल एनालॉग सिग्नल आता है उसको आपको डिजिटल में कन्वर्ट करना है, तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ट्रायंगुलर वेव जनरेटर में भी काम आता है। और टाइमर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज, जैसे आपके पास माइक्रोवेव ओवन है, वॉशिंग मशीन है, एक्सेट्रा, इन सब की टाइमर्स में भी आपके पास डिजिटल काउंटर्स का यूज होता है। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ काउंटर्स में सबसे पहला है आपके पास बाइनरी काउंटर। तो बाइनरी काउंटर एक सिंपल काउंटर होता है जिसका सीक्वेंस बाइनरी में होता है। ओके, जैसे आपने फर्स्ट लाइन में देखा था, यहाँ पे आपके पास ये बाइनरी काउंटर हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। अगर आपके पास नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा है तो बाइनरी काउंटर इस टाइप से काम करेगा। ओके, नाउ एक्चुअल में जो काउंटर्स हैं उनकी दो ब्रॉड कैटेगरीज होती है। एक होता है असिंक्रोनस काउंटर जिसको हम रिपल काउंटर भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सिंक्रोनस काउंटर जिसको हम पैरेलल काउंटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी जो क्लियर डेफिनेशन है वो जब हम इन दोनों को हम पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा असिंक्रोनस काउंटर्स और सिंक्रोनस काउंटर्स में क्या फर्क है। ऐसे ही आपके पास क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑपरेशन भी हो सकता है, जैसे अप काउंटर, डाउन काउंटर, इवन काउंटर या फिर ऑड काउंटर। एक और स्पेसिफिक मैंने एप्लीकेशन इसमें डाली है जो जनरली लोग इसमें यूज नहीं करते हैं कि काउंटर की क्लासिफिकेशन में, लेकिन ये भी एक काउंटर ही है एक तरीके से, दैट इज लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर। ये एक स्पेशली यूज्ड या स्पेशली डिजाइंड स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर होता है, रैंडम नंबर बाइनरी नंबर जनरेट करता है ये, लेकिन दैट इज नॉट 100% रैंडम, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर। ओके, नाउ सबसे पहले देख लेते हैं असिंक्रोनस रिपल काउंटर। द टाइप ऑफ काउंटर्स इन विच ईच फ्लिप फ्लॉप आउटपुट सर्व्स एज द क्लॉक इनपुट ऑफ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप इन सीक्वेंस। अब देखो यहाँ पर आपके पास जो क्लॉक है इस फ्लिप फ्लॉप की, इस फ्लिप फ्लॉप की और इस फ्लिप फ्लॉप की, तीनों की क्लॉक्स अलग अलग हैं, तो इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो इस फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक के लिए एज ए क्लॉक काम कर रही है, और इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट आपकी एज ए इस फ्लिप फ्लॉप के लिए जो थर्ड है दैट इज MSB फ्लिप फ्लॉप है उसकी क्लॉक की तरह काम कर रही है। तो इट मींस जो आपके पास असिंक्रोनस काउंटर्स होते हैं या रिपल काउंटर्स होते हैं उसमें जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स आप यूज करेंगे उनमें आपकी क्लॉक्स सेम नहीं होगी, सिर्फ क्लॉक जो इनपुट है वो आपकी इस इनपुट पर ही लगाई जाएगी जो आपका LSB आपका फ्लिप फ्लॉप होता है। ओके, तो आपके पास एक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट दूसरे की क्लॉक इनपुट की तरह बिहेव करती है। ओके, नाउ द इनपुट ऑफ सम और ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर ट्रिगर्ड नॉट बाय कॉमन क्लॉक। मैंने आपको पहले ही बताया कि इन सब फ्लिप फ्लॉप में आपकी क्लॉक अलग अलग है, तो आपकी जो ट्रिगरिंग है इनकी अलग अलग होगी। ओके, बट रेदर बाय ट्रांजिशन दैट अकर्स इन अदर फ्लिप फ्लॉप आउटपुट। जो आपकी यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है दैट इज ये 1 से 0 जाएगा या 0 से 1 जाएगा, उसकी ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फ्लिप फ्लॉप लेना है, या ये एज ए अप काउंटर बनाना है या डाउन काउंटर बनाना है, उस पे डिपेंड करता है। ओके दोस्तों, फ्लिप फ्लॉप्स डज नॉट चेंज स्टेट्स एट एग्जैक्टली द सेम टाइम एज दे डू नॉट हैव ए कॉमन क्लॉक पल्स। सी अगेन हेयर, यहाँ पर आपके पास इस फ्लिप फ्लॉप की, LSB फ्लिप फ्लॉप की या नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की या उससे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की, तीनों की क्लॉक्स अलग अलग हैं, तो इनका जो आपका प्रोपगेशन डिले है या फिर टाइमिंग्स हैं वो आपकी अलग अलग होंगी। ठीक है, दैट इज जो आपकी आउटपुट्स हैं यानी इसकी जो ये आउटपुट्स हैं वो अलग अलग इंस्टेंट पे चेंज होंगी, आपकी एक टाइम पे चेंज नहीं होंगी, इसलिए इसको आप बोलते हैं असिंक्रोनस काउंटर।
और ये रिपल काउंटर कंसिस्टिंग ऑफ एन फ्लिप फ्लॉप्स। अगर आपके पास एक कोई काउंटर है एन फ्लिप फ्लॉप जिसके अंदर लगे हुए हैं, तो आप उससे मैक्सिमम 2^n स्टेट्स ले सकते हैं। और ये एन स्टेट्स, डिफरेंट एन स्टेट्स हो सकती हैं 0 to 2^n-1। दैट इज, मान लिया अगर आपने 4-bit का रिपल काउंटर बनाया है तो 2^n-1 दैट इज 15, तो 0 से 15। अगर 5-bit का बनाया है तो 0 से 31, तो टोटल आपके पास अगर 5-bit का है तो कितना होगा, 0 से 31 दैट इज 32 पॉसिबल स्टेट्स होंगी अगर आपके पास 5-bit का काउंटर अगर आप बनाते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने की है कि आपको जो भी फ्लिप फ्लॉप्स आप यूज कर रहे हैं वो टॉगल मोड में यूज करोगे, टॉगल यानी टी फ्लिप फ्लॉप यूज करोगे। आप वो टी फ्लिप फ्लॉप चाहे तो आप जेके फ्लिप फ्लॉप को जे और के को 1-1 करके बनाओ, चाहे आप डी फ्लिप फ्लॉप के हेल्प से जेके टी फ्लिप फ्लॉप बनाओ, और चाहे आप डायरेक्टली टी फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें याद रखने की है कि जो आपके फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए और आपके पास ये, क्योंकि देखो आप यहाँ से LSB, LSB से नेक्स्ट सीरीज, फिर नेक्स्ट सीरीज, तो ये आपके पास असिंक्रोनस आउटपुट देंगे, तो यहाँ पर आउटपुट होगी असिंक्रोनस आउटपुट होगी। ओके, नाउ एक एग्जांपल लेते हैं 3-bit रिपल अप ऑब्लिक डाउन काउंटर का। तो अभी मैं आपको अप काउंटर बताऊंगा पहले, तो डाउन काउंटर को आप यहाँ पे इग्नोर करके रखिए। ओके, तो अप काउंटर में क्या है, देखिए इनिशियल स्टेट आपने लिए 0, 0, 1, 0, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट क्लॉक एज आएगी तो क्या होगा, ये आपकी जो क्यू नॉट है वो चेंज हो जाएगा 0 से 1, एंड क्यू वन रिमेन सेम, क्यू टू रिमेन सेम। फिर जब नेक्स्ट पल्स आएगी, नेक्स्ट पल्स यहाँ पे दैट इज थर्ड 0, 1, 2, सॉरी सेकेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लॉक एज जब आएगी तो ये बिट आपकी फिर से चेंज हो जाएगी, एंड ये आपके पास Q1 0 से 1 हो जाएगा, दैट इज 0, 1, 0। और अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें बच्चा, तो आपको मिलेगा कि जब आपकी LSB 0 से 1 जा रही है, दैट इज Q0 0 से 1 जा रहा है, तो वहां पर कोई चेंज नहीं आ रहा है Q1 में। लेकिन जब आपके पास Q0 1 से 0 जा रहा है, 1 से 0 देयर इज अ ट्रांजिशन इन Q0 फ्रॉम 1 टू 0, दैट इज इट इज ए नेगेटिव एज। दोबारा देखिए, जब भी आपके पास क्यू नॉट में चेंज हो रहा है 1 से 0, 1 से 0 मींस देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम 1 to 0 मींस इट्स ए नेगेटिव एज ऑफ क्यू नॉट। तो जब भी नेगेटिव एज ऑफ क्यू नॉट आ रही है, आपके पास Q1 चेंज हो रहा है 0 से 1, ठीक है, या फिर 1 से 0। देखिए यहाँ पर आपके पास इस पोजिशन पर देखेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, जब Q0 1 से 0 चेंज हो रहा है तो ये Q1 1 से 0 चेंज हो रहा है। ऐसे ही अगर आपके पास इसको देखेंगे Q1 को, तो Q1 जब 1 से 0 हो रहा है तो आपके पास उससे हायर जो बिट है दैट इज Q2 वो चेंज होगी फ्रॉम 0 टू 1 या 1 टू 0, 1 टू 0 इस केस में चेंज होगी जब यहाँ से 7 से वापस आपके पास आपकी इनिशियल स्टेट आ जाएगी दैट इज 0, 0, 0। क्योंकि देखो इसके बाद क्या आएगा, ऑल जीरोज, तो ये बिट 0, 1 से 0 हुई तो ये चेंज हो गई, ये बिट चेंज हुई 1 से 0 तो ये भी बिट चेंज हो गई। ओके, तो इसको मैं डायग्रामेटिकली ऐसे शो कर सकते हैं। देखिए अब इस सर्किट को आप बाद में देखिएगा, पहले आप इसको देखिए, ये आपने क्लॉक सिग्नल लिया है, ओके, क्लॉक पल्सेस लिए हैं आपने, और यहाँ पे हमने नेगेटिव एजेस कंसिडर किए हैं। तो आपका क्या पास क्या हो रहा है, क्योंकि आपके पिछले टेबल में क्या हो रहा था, इसकी नेगेटिव एज पर आपके Q0 की नेगेटिव एज पर आपकी Q1 वैल्यू चेंज हो रही है, और Q1 की नेगेटिव एज पर आपकी Q2 की वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, तो देखिए सबसे पहले होगा क्या, जब आप क्लॉक इसमें इनपुट लगा देंगे यहाँ पर, ये आपका LSB फ्लिप फ्लॉप आ गया, ठीक है, तो Q आपका, और इसको आपने टॉगल फ्लिप फ्लॉप के मोड में कनेक्ट किया है, तो ये भी 1-1, J0 K0 1-1, J1 K1 1-1, J2 K2 1, तो ये आपका तीनों लॉजिक 1 है, तो ये भी टॉगल फ्लिप फ्लॉप है, ये भी टॉगल फ्लिप फ्लॉप है, और ये भी टॉगल फ्लिप फ्लॉप है। अब नेक्स्ट बात, तो आपने जो क्लॉक पल्सेस जो लगाई है जिनको आपको काउंट करना है, सबसे पहले सर्किट में सबसे सेकंड स्लाइड में आपको दिखाया था काउंटर का ब्लॉक डायग्राम, तो जो इनपुट है आपके क्या है वो ये क्लॉक पल्सेज है। अब इन
क्लॉक पल्सेस को काउंट करना है। ओके तो जैसे आपकी फर्स्ट क्लॉक एज आई, क्योंकि आपने नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप लिया है यहाँ पे, ओके तो जैसे ही नेगेटिव एज आएगी क्लॉक की, आपकी इनिशियल वैल्यू जो थी क्यू नॉट की जीरो थी, क्यू वन की भी जीरो थी और क्यू टू की भी जीरो थी, तो आपकी ये क्यू नॉट चेंज हो जाएगा जीरो से वन पे। और हर क्लॉक एज पे ये क्यू नॉट चेंज होता है, जीरो से वन, वन से जीरो, जीरो से वन, वन से जीरो, जीरो से वन, वन से जीरो, जीरो से वन, वन से जीरो। आप देखें हर क्लॉक एज पे, हर एक क्लॉक एज पे ये चेंज होगा। ओके अब जब क्यू नॉट वन से जीरो जाएगा तो इट विल बिहेव एज ए नेगेटिव एज क्लॉक फॉर मिडिल फ्लिप फ्लॉप, जो आपका ये सेकेंड फ्लिप फ्लॉप है, इसके लिए आपके पास काम करेगा, दैट इज एफ एफ वन, ठीक है। अब इसकी जब नेगेटिव एज आएगी, दैट इज वन से जीरो, ये वाला सिग्नल दैट इज क्यू नॉट आपका वन से जीरो जाएगा, तो आपके पास क्यू वन की वैल्यू जीरो से वन जाएगी। ओके दैट इज क्यू वन की वैल्यू वन से जीरो जाएगी। सिमिलरली इस केस में आपके पास क्यू वन की वैल्यू वन से, सॉरी क्यू वन आपका जीरो से वन जाएगा फर्स्ट इसमें, फिर जब आपकी क्यू नॉट फिर से चेंज होएगी वन से जीरो, तो आपकी क्यू वन फिर वन से जीरो, देन सो ऑन इस वे में। और जब ये वैल्यू आपकी वन से जीरो जाएगी क्यू वन, तो आपके पास क्या है, ये वन से जीरो गया तो आपकी क्यू टू की वैल्यू चेंज हो गई जीरो से वन। फिर नेक्स्ट जब आपकी एज आई आपकी क्यू वन की, तो ये वैल्यू चेंज हो गई आपके पास वन से जीरो, एंड सो ऑन। तो आप किसी भी एज पे आप डाटा देख सकते हैं। मान लिया सपोज इस इंस्टेंट पे आपको डाटा देखना है, तो इस इंस्टेंट पे है डाटा जीरो जीरो जीरो, दैट इज इनिशियल वैल्यू। जब फर्स्ट क्लॉक पल्स आई तो आपके पास डाटा आया आउटपुट पे वन जीरो जीरो, जब सेकंड क्लॉक पल्स आई तो जीरो, यहाँ पर जीरो है ये क्यू नॉट की वैल्यू, ये वन, ये जीरो। जब थर्ड क्लॉक पल्स आई तो आपके पास ये वन वन जीरो, ठीक है। फोर्थ क्लॉक पल्स आई तो आपके पास ये आपके पास जीरो जीरो वन, एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ये चलेगा। लेकिन अगर आपको ये यही काउंटर आपको डाउन काउंटर की तरह बनाना है, ठीक है, तो होगा क्या, डाउन काउंटर में आपके पास ये सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा। और अब आपको ध्यान से देखो इसमें कि जब आपकी Q नॉट जीरो से वन जा रही है, Q नॉट जीरो से वन, दैट इज इट्स ए पॉजिटिव एज ऑफ Q नॉट, ओके, तो आपकी Q1 की वैल्यू चेंज हो रही है वन से जीरो, यानी देर विल बी ए ट्रांजिशन इन Q1 वेन एवर देर इज ए पॉजिटिव एज इन Q नॉट, ठीक है। एंड एट द पॉजिटिव एज ऑफ Q1 आपकी वैल्यू चेंज होगी Q2 की, ओके। तो यहां पर आपको इस केस में जो हमने ये सर्किट बनाया है, इस केस में आपके पास ये वाला सर्किट, ये सर्किट आपको नेगेटिव एज की बजाय आपको पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड लेना पड़ेगा, या फिर अगर आपको यही नेगेटिव एज से ही बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो Q नॉट बार है इसको आपको यहां से यहां कनेक्ट करना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप Q नॉट को कनेक्ट करें, ऐसे Q1 बार को आप यहां से यहां कनेक्ट करेंगे, तो इट विल प्रोवाइड यू द सेम ऑपरेशन, ओके। नाउ बाइनरी काउंटर, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड इन ए स्पेशल अरेंजमेंट इन विच द स्टेट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिप्रेजेंट द बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ पल्सेस दैट हैव अकर्ड एट द इनपुट ऑफ द काउंटर, ओके। तो आपने जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं आपको कनेक्ट करने हैं, वो स्पेशल अरेंजमेंट करना है इसका बाइनरी काउंटर का। अब बाइनरी रिपल काउंटर को हम मॉड एक्स काउंटर भी बोल सकते हैं, जिसमें एक्स की जो वैल्यू है, x इज द नंबर ऑफ काउंटर स्टेट्स, यानी आपकी जो काउंटर की कितनी स्टेट्स आप ले रहे हैं उस पे डिपेंड करता है, एंड इट्स इक्वल टू 2 रेज टू पावर n फॉर n फ्लिप फ्लॉप्स। अगर आपके पास n फ्लिप फ्लॉप्स होंगे तो आपके पास 2 रेज टू पावर n आपके वैल्यू आ सकती है मैक्सिमम। अब जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है इन द काउंटर उसको हम LSB काउंटर बोलते हैं, और जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप है उसको हम MSB काउंटर बोलते हैं, ठीक है। आउटपुट ऑफ द MSB डिवाइड्स द इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी बाय x। अब ध्यान से देखिए इस वेवफॉर्म में हर बार आपकी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है उससे आधी आपकी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी Q नॉट की है, ठीक है। और इसको भी इसने डिवाइड कर दिया है, इसको डिवाइड कर दिया है, डिवाइडेड बाय टू किससे,
किसने, आपको Q1 पे जो आपके पास डाटा आ रहा है वो डिवाइडेड है Q0 का हाफ फ्रीक्वेंसी आएगी, और Q2 पर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो Q1 की हाफ आ रही है। तो एवरी टाइम जब भी आप इनिशियली आप जैसे आपने लिया है मोड, आपने ये 3 बिट का काउंटर लिया है, तो ये डिवाइड बाय कितना हो गया, डिवाइड बाय 8। ओके, तो मोड एक्स डिवाइड आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिवाइड बाय एक्स हो जाती है। नाउ असिंक्रोनस काउंटर्स विद मोड नंबर्स लेस देन 2^n। अब जरूरी तो नहीं है कि आपके पास काउंटर 2^3 का है तो 8 तक ही काउंट करे। अगर हम सपोज चाहते हैं कि 5 तक ही काउंट करे या 6 तक ही काउंट करे, या फिर अगर आप 4 बिट का काउंटर लेते हैं और आप चाहते हैं कि वो सिर्फ 12 तक काउंट करे, तो आपका मोड उससे कम भी हो सकता है। जैसे आपने अभी तक तो स्पेसिफिकली आपने देखा है कि अगर आपके 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो मोड 4, 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो मोड 8, और 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो मोड 16। बट मोड तो कम भी हो सकता है, यानी आपका जरूरी नहीं है कि 0 to 15 ही काउंट करे या 0 to 8 ही काउंट करे या 0 to 3 ही काउंट करे। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि एक 3 बिट का फ्लिप फ्लॉप 0 to 4 काउंट करे तो उसको हम बोलेंगे मोड 5। मोड 5 का मतलब क्या है, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, 5 है, और 5 स्टेट्स के लिए आपको मिनिमम कितने काउंट कितने फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे बताइए। हाँ, कितने लगेंगे, इसमें लगेंगे आपके 3 फ्लिप फ्लॉप्स। तो मोड 6 में भी आपके लगेंगे, मोड 6 में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स है 6। तो 6 स्टेट्स कौन कौन सी होगी, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, और मोड 15 में कितने हो गए, टोटल आपको फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे 4। टोटल आपकी काउंटिंग कहाँ से आ गई, 0 से लेकर 14 तक। तो जितना भी मोड की वैल्यू होती है उससे एक कम तक काउंट करता है, क्यों, इसलिए क्योंकि एक्चुअली पास आपकी इनिशियल वैल्यू 0 भी है। ओके, नाउ अब ऐसे काउंटर्स को कैसे डिजाइन करना, तो ऐसे काउंटर्स के लिए हम कुछ स्किपिंग मेथड लगाते हैं, जिसमें आपके पास स्किप स्टेट्स को कुछ, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ मोड 5 बनाना है, लेट सपोज अगर आपको मोड 5 बनाना है तो उसमें आपके पास 0 टू 4 काउंट करेगा, तो 5 आपको नहीं काउंट करना, 6 आपको नहीं काउंट करना और 7 आपको नहीं काउंट करना। ठीक है, तो आप कहां से कहां तक काउंट करेंगे, तो सिर्फ आपको 0 टू 4 ही काउंट करेंगे। तो 0 टू 4 काउंट करेंगे तो बाकी के स्टेट्स का क्या करना है, उनको हमें स्किप करना पड़ेगा, तो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस होगा उनको बीच में रोकना पड़ेगा यानी फिनिश करना पड़ेगा, ट्रंकेट करना पड़ेगा। और ट्रंकेटेड सीक्वेंस को रोकने के लिए हमें आपके जो काउंटर है, जो ये काउंटर है, ये इस काउंटर को फोर्सफुली, अगर मान लिया आपके पास सिर्फ 0 to 4 तक काउंट करना है, तो जैसे ये 4 हो जाए तो आपके उसके 4 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या चाहिए आपको, 0 0 0। जब आपके पास 0 0 0 आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, इसमें कैसे करेंगे इसको 0 0 4 के बाद आपको ये 0 चाहिए, तो यू शुड रीसेट दिस फ्लिप फ्लॉप एट द नेक्स्ट क्लॉक एज टू 0 0 0। ओके, अब ये कैसे होगा, इसमें आप क्या करेंगे, नैंड गेट लगा देंगे। ठीक है, तो नैंड गेट जैसे आपने लगाया यहाँ पे, आपने ये लिया है एग्जांपल मॉड 6 का, देखिए जैसे यहाँ पे आपको ये लिया है हमने मॉड 6 का, तो मॉड 6 में आपके पास 0 1 2 3 4 5 एंड ये 6 आ गया। ठीक है, तो आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होगी मोड 6 में, टोटल 6 स्टेट्स होंगी, तो 1 2 3 4 5 और 6। इसको मैं 6 बोलने का मतलब ये नहीं है कि इसकी मैं बाइनरी वैल्यू बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 6 स्टेट। तो 6 स्टेट के बाद वैल्यू कहाँ जाएगी आपकी, 6 स्टेट के बाद वैल्यू जानी चाहिए 0 पे, लेकिन आपकी काउंटर में तो वैल्यू आएगी, यहाँ पे बाइनरी वैल्यू आएगी 110। अब ये जो 110 है ये टेम्परेरी स्टेट हो गई है, और आपको इस टेम्परेरी स्टेट को क्लियर करके क्या करना है, 0। ओके, 0 0 0। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर आपके पास टेम्परेरी स्टेट में वैल्यू क्या आएगी, 6। ओके, लेकिन आपको आउटपुट पे चाहिए 0 0 0, तो इस पे 110 आउटपुट आ रही है, तो ये 11 किस पे है, ये MSB, ये MSB, ये मिडिल MSB और ये LSB। तो इन दोनों बिट्स पे जिस चीज पे भी 1 आ रही है वो बिट्स आपको पिक करनी है और NAND गेट्स के इनपुट पे डालनी है, और NAND गेट की जो आउटपुट है, ठीक है, वो आपको किस पे डालनी है, क्लियर करनी है। इस केस में आप क्लॉक पल्सेस इधर से दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए इधर से दे रहे हैं आप, तो ये आपका आउटपुट हो गया Q0, ये Q1 और ये Q2। ठीक है, तो 6 का मतलब क्या है, ये
इनपुट, सॉरी ये आउटपुट और ये आउटपुट, जब आपकी दोनों वन वन होंगी तो आपको क्या करना है, फ्लिप फ्लॉप को क्लियर करना है। तो फ्लिप फ्लॉप पे आउटपुट आपको क्या करना है, जीरो होना चाहिए। तो जीरो आएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा ये फ्लिप फ्लॉप। यहाँ से आपने ये तीनों तीनों फ्लिप फ्लॉप्स को जीरो दे दिया, तो होगा क्या, जैसे ही आपके पास आप काउंटर को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आउटपुट आएगी इस पे जीरो जीरो जीरो, फिर नेक्स्ट क्लॉक एज पे आपके जीरो, नेक्स्ट क्लॉक एज पे वन जीरो जीरो, फिर उसके बाद जीरो वन जीरो, और ऐसे ही करते करते आपके पास वन जीरो वन आएगी यहाँ पे। और जैसे ही आपके पास नेक्स्ट आएगी तो वन वन वन, इंस्टेंटली एक छोटी सी पल्स आएगी जो यहाँ से इसको क्लियर करके इस तीनों फ्लिप फ्लॉप्स को क्लियर कर देगी और आउटपुट आपकी आएगी जीरो। ओके, तो जो कि आपके पास टेम्परेरी स्टेट्स आपको दिखाई नहीं देगी और डायरेक्टली आपके फाइव के बाद सीधा जीरो हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आ गई मॉड सिक्स में जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, यानी टोटल सिक्स स्टेट्स हो गई जीरो से लेकर फाइव। ओके, तो ये आपके क्या बन गया, मॉड सिक्स काउंटर। ओके, अब असिंक्रोनस काउंटर का एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, दैट इज प्रोपोगेशन डिले जो होता है इसमें रिपल काउंटर में या असिंक्रोनस काउंटर में, वो ऐड होता चलता है। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके पास क्या होगा, आपका ये जो प्रोपोगेशन डिले बढ़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आप इसको देखिए, इसमें मान लेते हैं आपके पास ये आपने आप ये आपने लिया है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग ली है, ठीक है। तो आप किसी कैसे भी बना सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, ध्यान रखिए आपके पास पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज कैसे ही ले सकते हैं, लेकिन आपको डिपेंड करता है कि आप क्यू नॉट ले रहे हैं कनेक्शन के लिए, आपको नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पे, या फिर क्यू नॉट बार ले रहे हैं, ऐसे क्यू वन ले रहे हैं या क्यू वन बार ले रहे हैं, तो आपके दोनों ही हो सकते हैं। तो इस केस में हमने पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बनाया, सॉरी काउंटर बनाया। तो इस केस में देखिए सबसे पहली ट्रांजिशन में क्या होगा, ये जो डिले आया ये आपका आया जब आपका क्लॉक एज जीरो से वन आया, तो कुछ फ्लिप फ्लॉप में कुछ तो डिले आएगा ना, ठीक है। अब वो उस डिले की वजह से आउटपुट चेंज होगा इतनी देर के बाद। अब क्योंकि जब आपकी ये चेंज आया है, इसकी जो नेगेटिव एज आएगी, ओके, इसकी नेगेटिव एज आपकी क्यू नॉट की, ये थोड़ा सा डायग्राम आपको यहाँ पे नेगेटिव एज में दिया हुआ है, पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज के हिसाब से लिया हुआ है। तो जब इसकी नेगेटिव एज आई क्यू वन की, तो आपकी नेक्स्ट ट्रांजिशन आपका क्यू वन की में ट्रांजिशन होगा, ठीक है। इसकी नेगेटिव एज पे आपका क्यू वन चेंज होगा, लेकिन इसकी नेगेटिव एज इस इंस्टेंट पे आई है, तो सेकंड फ्लिप फ्लॉप का डिले जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस वजह से आप देखिए यहाँ से ये चेंज होकर इतना आ गया, ये आपका डिले बढ़ गया। ऐसे ही थर्ड फ्लिप फ्लॉप में ये चेंज हो गया, तो थर्ड फ्लिप फ्लॉप में ये डिले फिर से ऐड हो जाएगा, दैट इज ये चेंज हो गया। तो क्यूमुलेटिव प्रोपगेशन डिले जो आपका आ रहा है, ये क्योंकि ये डिले क्या है, ये नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप से जैसे जैसे आप नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप बढ़ाते जा रहे हैं, आपके पास क्यूमुलेटिव डिले जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर डिले देखो थ्री टाइम्स हो गया, एक फ्लिप फ्लॉप का जितना डिले होता है उसके थ्री टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे ये डिले बढ़ता चला जाएगा। तो क्यूमुलेटिव डिले एक जो है वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है आपके रिपल काउंटर्स के केस में। और ये जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेट्स आपके बढ़ती हैं, यानी मान लिया आप 3 बिट 4 बिट 5 बिट काउंटर लेते हैं, तो आपके क्यूमुलेटिव डिले भी बढ़ता चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्लियर। ये डायग्राम थोड़ा सा आपका पीछे आना चाहिए था, देखिए ये रीसेट में कैसे आपके पास काम कर रहा है, इसको स्किप करते हैं। ओके, ये आपके पास मोड सिक्स काउंटर की जो आपका स्टेट डायग्राम बनाया है, क्योंकि आपके पास ये डायग्राम था पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास फ्लो तो ये चलता, लेकिन आपने मोड सिक्स बना दिया तो आपको फाइव के बाद सीधा कहाँ जंप करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा और ये टेम्परेरी स्टेट। तो बाद में फाइनली डायग्राम क्या बनेगा, स्टेट डायग्राम ये बनेगा। ओके, और स्टेट डायग्राम ध्यान रहे आप स्टेट्स को आप एक सर्कल से डिनोट करते हैं, और ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इसका मतलब है ये एक क्लॉक एज है, और ये पॉजिटिव एज भी हो सकती है, नेगेटिव एज भी हो सकती है। ओके, ये आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, आपको दिखाया हुआ है कि बाइनरी 3 बिट
बाईडायरेक्शनल रिपल काउंटर कैसे बना सकते हैं, यानी एक ही सर्किट में आप अप और डाउन काउंटर कैसे बना सकते हैं। तो ये आपको जब हम पीपीटी भेजेंगे तो आप उसमें से देख लीजिएगा। इसमें बहुत ही सिंपल है जब आपका पूरा ऑपरेशन इसमें गिवन है। ओके, नाउ अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में देखते हैं। जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं इसकी, किसकी, रिपल काउंटर की, वो है तो असिंक्रोनस काउंटर्स कैन इजीली बी मेड फ्रॉम, सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस के, तो असिंक्रोनस काउंटर्स का आप डी फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप किसी से भी बना सकते हैं या जेके फ्लिप फ्लॉप से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। एंड they are called asynchronous counters because clock input of the flip flops are not all driven by same clock, kyunki aapke paas jitne bhi flip flops hain un par same clock nahi lagate hain, isliye aap unko asynchronous counters bolte hain, theek hai। each output of in the chain depends on a change in the state from the previous flip flop output, aapki jo flip flop ke output hai wo chain hai aur wo depend karte hai pichle flip flop ki output pe। ओके, तो इस वजह से आपके पास ये एक रिपल कर्व काउंटर की तरह बिहेव करता है। असिंक्रोनस काउंटर्स आर समटाइम्स कॉल्ड रिपल काउंटर बिकॉज द डाटा अपीयर्स टू रिपल फ्रॉम आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि आपके पास क्या है, क्लॉक पल्सेज एक तरीके से ट्रेवल कर रही है एलएसबी फ्लिप फ्लॉप से आपके पास एमएसबी फ्लिप फ्लॉप की तरफ, ठीक है। दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डिवाइड बाय एन काउंटर सर्किट, आपको बहुत ही इजीली आपके पास ये बन सकता है डिवाइड बाय एन काउंटर सर्किट की तरह। ट्रंकेटेड काउंटर्स को भी आप बना सकते हैं इसके हेल्प से, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेज, एन एक्स्ट्रा रीसिंक्रोनाइजिंग आउटपुट फ्लिप फ्लॉप मे बी रिक्वायर्ड। अब जब आपको पता है कि यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप का जो डिले है, ये जो डिले है प्रोपोगेशन डिले, हर एक फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है उसका डिले जो है वो अलग अलग आ रहा है, तो इसको डिले को बराबर करने के लिए हमें हमारे पास रीसिंक्रोनाइजिंग फ्लिप फ्लॉप्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि देखो ये जो डिले है इसको तो हम कम नहीं कर सकते, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एडिशनल फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे लगा देते हैं आउटपुट में, ऐसे यहाँ पर दो एडिशनल फ्लिप फ्लॉप्स लगा देते हैं, तो हमारे पास दो रीसिंक्रोनाइजिंग एडिशनल फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड To synchronize all the outputs। Synchronize का मतलब है कि आपके जो तीनों outputs हैं वो एक साथ आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक कभी आ रही है, दूसरी कभी आ रही है, तीसरी कभी आ रही है। Okay? To count a truncated sequence not equal to 2^n, extra feedback logic is required। अब इसमें truncated sequence के लिए आपको extra feedback logic की required होगी। Okay? Counting a large number of bits, propagation delay by successive stages may become undesirable large, क्योंकि आपके पास जैसे जैसे आप number of flip flops बढ़ाएंगे, मान लिया आपने 15 bit का counter बनाना है, तो इसमें बहुत ही ज्यादा delay बढ़ जाएगा आखिरी bit तक, okay? और ये delay आपको बहुत ही problem create कर सकता है आखिरी में। This delay gives them the nickname of propagation counters delay, okay? काउंटिंग एरर्स अगर एट द हाई क्लॉकिंग फ्रिक्वेंसी, अगर आपकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो इसमें कुछ ना कुछ एरर्स आने के चांसेस होते हैं एट हाई फ्रिक्वेंसीज में। सिंक्रोनस काउंटर्स आर फास्टर एंड मोर रिलायबल एज दे यूज सेम काउंटर्स। अब ये कंपेरिजन बता दिया, दिस इज नॉट द डिसएडवांटेज ऑफ असिंक्रोनस काउंटर्स, ये जस्ट एक एडवांटेज है सिंक्रोनस काउंटर्स की। ओके, अब हम बात करते हैं सिंक्रोनस काउंटर्स की। तो सिंक्रोनस काउंटर्स में क्या होता है, आपको पता है कि असिंक्रोनस काउंटर्स में प्रोपोगेशन डिले आता है, तो ऐसा कोई भी किसी भी टाइप का प्रोपोगेशन डिले, यानी जो आपके पास क्यूमुलेटिव प्रोपोगेशन डिले जिसको आप बोलते हो, वो इसमें नहीं आता है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स आप यूज करते हैं इसमें आपको सेम क्लॉक्स यूज करते हो, तो इसमें आपकी क्लॉक जो सिग्नल है सेम होने की वजह से ऐसा कोई रिपल फ्लो नहीं होता है इनपुट से आउटपुट के बीच में, ठीक है। तो क्या है, ऑल द इंडिविजुअल आउटपुट बिट्स चेंजिंग स्टेट एट एग्जैक्टली द सेम टाइम, क्योंकि जब आपके पास सभी काउंटर्स पे, सॉरी सभी फ्लिप फ्लॉप्स पे अगर आपकी क्लॉक सिग्नल सेम होगा तो सभी के आउटपुट सेम टाइम पे चेंज होंगी, ठीक है, और उसमें कोई भी प्रोपोगेशन डिले या क्यूमुलेटिव प्रोपोगेशन डिले एड नहीं होगा। जैसे कि इस सर्किट में आपको दिखा रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल की तरीके से दिखाया है मैंने यहाँ पे, अभी इसको हम बनाना सीखेंगे बाद में।
देखिए यहाँ पे जो क्लॉक पल्स है वो सेम इसको भी दिया हुआ है, फ्लिप फ्लॉप ए को भी, फ्लिप फ्लॉप बी को भी, फ्लिप फ्लॉप सी को भी, फ्लिप फ्लॉप डी को, सभी को सेम क्लॉक दिया हुआ है। ओके क्लियर। तो आपको होगा क्या, इससे जो ये आउटपुट्स आएंगी क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी, ये जो चारों बिट की जो आउटपुट आएगी काउंटर की वो सिंक्रोनस आगे यानी एक साथ आएंगे, इसमें कोई भी प्रोपगेशन डिले में डिफरेंस नहीं आएगा, नियरली माइन्यूट बहुत नेग्लेजिबल डिफरेंस होगा, वो बहुत ही आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो कुछ इस एंड गेट्स की वजह से हो सकता है, बट वो बहुत ही नेग्लेजिबल होगा, दैट विल नॉट बी एड अप एट द एंड ऑफ काउंटिंग, वो एड भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आप बढ़ाते चले जाएंगे तो आपके पास ये वो क्यूमुलेटिव प्रोपगेशन डिले के फॉर्म में आएगा। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस पे क्लॉक सभी फ्लिप फ्लॉप्स पे सेम आएगी, और आप इनपुट जिनको आपको जो क्लॉक पल्सेस जिसको काउंट कर रहे हैं वो यहाँ पे आप लगाएंगे। ओके, अब देखते हैं इसका प्रोसीजर कैसे है। प्रोसीजर बेटा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे सिंपल है कि सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आपको कितने यूज होंगे उसमें, और नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स की काउंटिंग निकालने के लिए आपको उसका स्टेट डायग्राम बनाना पड़ेगा। स्टेट डायग्राम बनाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उसमें कितनी स्टेट्स होंगी, जितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे उसके उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे। फिर आप एक एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे, और एक्साइटेशन टेबल से आप स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे किसी भी फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, एंड फिर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग के मैक, और उसके बाद लास्ट स्टेप होगा सर्किट बनाने का। तो ये है, आप सबसे पहले नंबर ऑफ स्टेट्स निकल कितने फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे डिपेंडिंग ऑन द स्टेट डायग्राम, और फिर एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल इसमें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप अगर आप टी फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं तो टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल आपको पता होना चाहिए, अगर आप डी फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं तो आपको डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल पता होना चाहिए, अगर आप जेके फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं तो जेके फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल पता होना चाहिए। ओके, तो ये मैंने आपको सबसे पहले स्लाइड्स में कुछ सबसे इनिशियल स्लाइड्स में आपको एक्साइटेशन टेबल के बारे में पहले ही मैं बता चुका हूँ। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं, डिजाइन है मोड 8 सिंक्रोनस काउंटर का, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या होगा, मोड 8 में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी, 8 होंगी, तो यहाँ पे 2^n, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड। तो हम इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम या फिर स्टेट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, स्टेट डायग्राम क्या, टोटल स्टेट्स, आप उन स्टेट्स को नाम दिया है मैंने यहाँ पे S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 और फिर S0 अगेन, और ये जो है ये ट्रांजिशन। तो अब इन स्टेट्स को हम, क्योंकि आपके पास 3 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे तो 3 बिट आपके पास Q0, Q1, Q2 की तरह मिलेंगे। ठीक है, तो हमने इन स्टेट्स को असाइन किया है, दैट इज नोन एज बाइनरी स्टेट असाइनमेंट स्टेप। ये स्टेट असाइनमेंट किया है, हर एक स्टेट को एक वैल्यू दे दी मैंने 0, 0, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी स्टेट का सीक्वेंस बना सकते हैं, लेकिन अभी हम बाइनरी काउंटर बना रहे हैं सिंपल अप काउंटर, तो आप यहाँ पर 0, 0, 0, 0 हर एक स्टेट को आपने जैसे S0 को 0 दे दिया, ऑल 0, S1 को 0, 0, 1 और इसी तरीके से आपने ये सीक्वेंस फॉलो किया। नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या है कि अब हम इसमें फ्लिप फ्लॉप चूज किया है जेके फ्लिप फ्लॉप, तो जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रांजिशन टेबल आपको पता होना चाहिए इसमें, ये प्रेजेंट स्टेट मतलब यहाँ पर क्या स्टेट है एक फ्लिप फ्लॉप की। ठीक है, तो प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट यानी जब आपकी क्लॉक है जाए तो नेक्स्ट स्टेट क्या है, और आप इनपुट क्या होने चाहिए नेक्स्ट स्टेट अगर आपको वो चाहिए, तो जैसे आपके पास प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए तो इनपुट मस्ट बी 0 क्रॉस, अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए तो इनपुट्स एट द जेके मस्ट बी 1 क्रॉस एंड सो ऑन। उसके बाद आपने ये स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाया, स्टेट ट्रांजिशन टेबल में आपने प्रेजेंट स्टेट लिया है इस काउंटर की प्रेजेंट स्टेट, ठीक है, इस काउंटर की फिर नेक्स्ट स्टेट। तो आप जैसे इस फ्लिप फ्लॉप में देखिए प्रेजेंट स्टेट, मान लिया अगर हम इस स्टेट पे हैं तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, ये तो आपको ये दोनों ही पता है। ठीक है, तो इसमें चेंज किस बिट में आ रहा है, Q1 में चेंज आ रहा है, 0 से 1 हो रहा है। ओके, तो प्रेजेंट स्टेट ये हो गई, नेक्स्ट स्टेट ये हो गई। तो अब आपको क्या है, अगर प्रेजेंट स्टेट 0, 0, 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 0, 1, 0,
प्रेजेंट, ठीक है। और इसी तरीके से आप आगे चलेंगे, प्रेजेंट स्टेट अगर आप 010 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 0113 हो जाएगी, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 0। तो ये टेबल आपका पूरा हो गया। अब इस टेबल की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से इस पोर्शन को पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्यू नॉट को लिया, सिर्फ क्यू नॉट, क्यू नॉट जब फर्स्ट पल्स आएगी तो 0 से 1 चेंज हो रहा है। तो 0 से 1 आप यहाँ पे देखिए कहाँ हो रहा है, 0 से 1, तो J must be 1, K must be 0, तो J must be 1, K must be 0, ठीक है। नेक्स्ट पे 1 से 0 चेंज हो रहा है, तो 1 से 0 चेंज हुआ, तो 1 से 0 के क्रॉस 1, फिर से 0 से 1, फिर ये सारा टेबल आपने पूरा कर दिया। अगर आप Q नॉट को ले रहे हैं तो सिर्फ J नॉट और K नॉट को ही लेना है, क्योंकि आप उसी पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप की अब बात कर रहे हैं जो FF नॉट है। सिमिलरली आप Q1 के लिए पूरा करेंगे, Q1 के लिए आपके पास J1 K1 का टेबल आएगा, Q2 के लिए आपके पास J2 K2 का टेबल आएगा, तो आपका ये पूरा टेबल आपका बन जाएगा इसकी हेल्प से, ओके। देन आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि आपका ये टेबल था स्टेट ट्रांजिशन टेबल, आपके पास ये स्टेट ट्रांजिशन टेबल था, इस स्टेट ट्रांजिशन टेबल में जो प्रेजेंट स्टेट है और जो ये नेक्स्ट स्टेट है और ये इनपुट स्टेट है, इसमें से आप ये जो नेक्स्ट स्टेट वाले जो कॉलम है इसको डिलीट कर देंगे, इसको आप इग्नोर कर देंगे, आप इसको नहीं देखेंगे। तो इसको अगर हम मान लेते हैं ये नहीं है, तो आपके पास नया टेबल क्या आएगा, ये आएगा। प्रेजेंट स्टेट्स को हम एज ए इनपुट कंसिडर करेंगे और जे एंड के को एज ए आउटपुट कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये टेबल बन जाएगा, ये टेबल कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ ये वाला पोर्शन आपका इसमें से डिलीट कर दिया और ये नया टेबल आपके पास आ गया, सेम इसी को मैंने रिपीट कॉपी पेस्ट किया है, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, हर एक आउटपुट के लिए, दैट इज जे नॉट के नॉट जे वन के वन जे टू के टू के लिए आप के मैप सॉल्व करेंगे। तो के मैप में क्या है, जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है जे नॉट के लिए, जे नॉट के लिए आपके पास देखें जे नॉट में वन आपके पास कंडीशन क्या है, 0 0 0 पे 1, 0 0 1 पे क्रॉस, फिर 0 1 0 पे 1 एंड सो ऑन, तो 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस ऐसे चलता जा रहा है। तो 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस, तो आपका जे नॉट की वैल्यू आके आपके पास आ गई 1। ऐसे ही के नॉट को भी आपने लिया इसी टेबल से, इस टेबल से के नॉट को लिया, ठीक है। तो क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1, और इनपुट्स क्या हैं, ये हैं। तो इनपुट्स आपको ध्यान में रखने के, इनपुट्स क्या होंगे आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो आपका के नॉट का ऐसे आपके पास के वन और J1 का लिखना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, फिर J2 निकालनी है, और तो आपके पास ये आपने इस सर्किट में क्या है, तो आप यहाँ पे क्या होगा, आपने ये तीनों आपके 6 वैल्यूज आ जाएंगे। उसके बाद 6 वैल्यूज आने के बाद आप कैसे कनेक्ट करना होगा, 3 फ्लिप फ्लॉप्स लिए हैं, तीनों फ्लिप फ्लॉप्स में आपने क्या किया है, सेम क्लॉक लगा दिए, और आप फ्लिप फ्लॉप आपके पास नेगेटिव एज ट्रिगर्ड या पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड कोई भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन में गिवन है या फिर आपके रिक्वायरमेंट क्या है। और सबसे पहले जी नॉट और के नॉट की वैल्यू क्या थी, आपके पास 1 1 थी। जे वन और के वन की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, देखो जे वन आपके पास क्यू नॉट है और जे टू के वन भी आपके पास क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट की वैल्यू को आपने जे वन और के वन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर ऐसे जे टू क्या है, क्यू वन और क्यू नॉट का एंड है, Q1 and Q0 का एंड है K2, तो J2 और K2 क्या है, Q0 and Q1 का एंड है, तो this becomes an up counter, ये आपके पास अप काउंटर बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास 4 बिट का काउंटर भी बना सकते हैं, 4 बिट का अप काउंटर, ये आपके पास 4 बिट का अप काउंटर बनाया हुआ है। एंड गेट्स का पर्पज क्या है, एंड गेट्स का पर्पज है कि आपका इन फ्लिप फ्लॉप्स को नेक्स्ट स्टेट प्रोवाइड करने का, ओके। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं इसके, तो एडवांटेजेस ऑफ सिंक्रोनस काउंटर्स ओवर असिंक्रोनस काउंटर्स, इन पैरेलल काउंटर्स और फ्लिप फ्लॉप विल चेंज स्टेट साइमल्टेनियसली, ये आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी स्टेट्स एक साथ चेंज होगी। दस अनलाइक सिंक्रोनस काउंटर्स द फ्लिप फ्लॉप द प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स डू नॉट एड टूगेदर टू प्रोड्यूस ओवरऑल डिले, तो फ्लिप फ्लॉप्स का जो प्रोपोगेशन डिले है वो ऐड नहीं होगा, दैट विल नॉट प्रोड्यूस क्यूमुलेटिव प्रोपोगेशन डिले। तो टोटल
रेस्पॉन्स टाइम ऑफ ए सिंक्रोनस काउंटर क्या होगा, आपके पास टेक वन फ्लिप फ्लॉप टू टॉगल प्लस द टाइम ऑफ द फॉर द न्यू लॉजिक टू प्रोपोगेट थ्रू इस सिग्नल एंड गेट। तो एंड गेट के थ्रू जो सिग्नल का डिले आया वो ही टोटल डिले उसमें ऐड होगा। टोटल प्रोपोगेशन फ्लिप फ्लॉप का जो प्रोपोगेशन डिले है प्लस जो एंड गेट का डिले है, क्योंकि एंड गेट भी इसमें लगाया हुआ है, तो एंड गेट का जो डिले है वो ही आपके पास टोटल डिले आएगा। दिस टोटल डिले इज द सेम नो मैटर हाउ मैनी फ्लिप फ्लॉप इन द काउंटर एंड इट विल जनरली बी मच लोअर देन द असिंक्रोनस। यानी ये असिंक्रोनस काउंटर्स के केस से कंपेरिजन करें तो ये बहुत ही कम डिले होता है। Asynchronous counters can operate at much, sorry, asynchronous counter can operate at a much higher frequency. यानी synchronous counters को आप high frequencies पर भी use कर सकते हैं, but the circuitry is more complex. आपके circuit जो हैं वो complex हो जाएंगे as compared to your asynchronous counter. Thank you very much for watching this video.